सर मैंने एक और चीज़ सुनी है कि अपनी दुकान के छोले भटूरे शेफ रणवीर बराड़ भी खा के गए हैं। एक मैंने सुना है कोई एक इम्पोर्टेड आइटम बेच रहे हो आपकी बाहर से आती है कहीं से? नहीं नहीं बाहर से नहीं आती, जापान से मंगवा रहे हैं आप? हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, ये हमारी स्पेशल आइटम है। स्ट्रीट फूड आपने बहुत ही ज़्यादा तरह के खाए होंगे, मैंने बहुत ही तरह के दिखाए भी हुए हैं, पर सारे दिखाए थे भाई देसी। आज जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है इम्पोर्टेड, बाहर से आई है, इतनी कमाल की है ना। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ क्या कमाल की वाइब है, पीछे आप देख रहे हो ना लाल किला भाई साहब। वो तो यार अभी हम आ गए चांदनी चौक एक बढ़िया नगीने के पास। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ज़्यादा सर तारीफ सुनी है। अभी दिल्ली का दिल बोला जाता है जी चांदनी चौक। इसने चांदनी चौक में अगर आगे कुछ खाना वगैरह या स्पेशल आइटम नहीं खाई उसने लाइफ में कुछ नहीं खाया। चांदनी चौक का ट्रिप अधूरा है अगर आगे यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं बढ़िया। तो सर कितनी पुरानी दुकान है सबसे पहले बताइए? ऑलरेडी चलते हुए 99 ईयर्स हो गए। क्या बात, 1924 में लाहौर में शुरू की थी। मतलब सर 100 साल पुराना नाम है अपना, तो एक बार दिखाइए होता क्या क्या अपने पास। पहला सेटअप हमारा है ये, आपको आइए आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे पास नान होता है। वाह भाई, बाहर ही तंदूर लगा हुआ है, तंदूर बढ़िया चल रहा है। और सर 5:30 बजे भी नान? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, लास्ट कितने बजे तक होता है? 6:45 तक। उसके बाद तो भाई 15 मिनट पहले ही मैं आ गया हूँ। यहाँ पे चूर चूर नान लग रहे हैं भैया, लगा रहे हैं चूर चूर नान, बहुत ही बढ़िया। ये आगे जी छोले भटूरे, जिसके लिए सर जाने जाते हैं आप। हाँ जी हाँ, नाम चलता आपका दिल में छोले भटूरे की वजह से। वाह, ये देखो जी ढेर सारे पेड़े रखे हुए हैं, अंकल ने यहाँ पे छोले भटूरे लग रहे हैं। और वाह, ओनर साहब भाई दुकान भी मैनेज करते हैं और खुद बना भी लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। और भाई गर्मा गर्म भटूरे एकदम फूले हुए बढ़िया। अब ये भटूरे देखने में आपको आम दिल्ली जैसे भटूरे लग रहे हैं, पर जो इनकी स्पेशलिटी है जिसके लिए इनका भटूरे जाने जाते हैं वो भाई अंदर है इनके छोलों का स्वाद, वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। भाई कढ़ाई से ओहो, ये इसके अंदर वाह, ये छोले जो है इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं होता। अच्छा, बिना प्याज और लहसुन का और छोले और जो तड़का है, चने की खासियत यह है जी कि आज तक हम लोग इसको कच्चे कोयले पे पकाते हैं। ये देखिए नीचे, अच्छा आज भी कच्चे कोयले की अंगीठी है। वाह, ये अंगीठी के ऊपर मतलब धीमी धीमी आंच पे पूरा दिन पकते रहते हैं, कढ़ाई में से लाइव तेल आता है और वो छोंक दिया जाता है छोले के ऊपर और इतना बढ़िया तड़का लगाया जाता है। ये देखो छोले का कलर देखिए आप। अब ये देखिए यार, ये छोले भटूरे आगे प्लेट के अंदर प्रॉपर पिंडी स्टाइल। ये पालक की ग्रेवी, पालक की ग्रेवी सुना सर मैंने, लोग एक्स्ट्रा मांगते हैं यहाँ पे आपसे। बहुत स्पेशल होती है ये। आपके दो फूले फूले भाई गोल्डन भटूरे बढ़िया से। सर कितने की प्लेट रहती है ये? खाने के लिए 60 रुपए की प्लेट है, पैकिंग में 70 रुपए की प्लेट है। पैकिंग में 70 की, खाने के लिए 60 रुपए की प्लेट है। और भाई मैं तो यही बोलूंगा कि खाने आओ क्योंकि जो बाजार की वाइब है वो नज़ारेदार है यहाँ की। हाँ जी। एक सर एक और चीज़ छोले भटूरे तो आपने दिखाए। हाँ जी। एक मैंने सुना है कोई एक इम्पोर्टेड आइटम बेच रहे हो आपकी बाहर से आती है कहीं से? नहीं नहीं बाहर से नहीं आती, जापान से मंगवा रहे हैं आप? हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, ये हमारी स्पेशल आइटम है जापानी समोसा, इसका नाम जापानी समोसा। हाँ जी, पान वाले सर समोसे भी खाने लग गए। ये देखिए ये समोसा है, इसके अंदर 60 लेयर्स होते हैं, 60 लेयर्स 60। सिर्फ हमारी दुकान में मिलेगा आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। जापानी समोसा, जापानी समोसा, इसका नाम जापानी कैसे हुआ सर? ये तो 1924 में शुरू हुआ था, तब जापानी समोसा नाम रखा, कैसे रखा क्या रखा वो कभी हम लोगों ने अपने क्या बात है पूछा नहीं, वो राज ही रह गया कि ये जापानी समोसा नाम क्यों। पर भाई जापान वालों तो किसके चर्चे हैं, जापानी समोसा जापानी। ये चेक करो भाई, ये चीज ना मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। ये देखो भाई आपको ना पूरा पास से दिखाता हूँ, ये देखो ये समोसा है, मतलब बोला समोसा जा रहा है और किसी भी एंगल से सर ये समोसे जैसा नहीं लगता। ये इसको बनाने की टेक्निक खासियत है और ये सारा हाथों से बनता है, इसके लिए कोई डिजाइन नहीं है। इसकी प्लेट सर कितने की रहती है जापानी समोसा? ये खाने के लिए 40 रुपए की प्लेट है और पैकिंग के लिए 50 रुपए की प्लेट है। भाई 20 रुपए का एक समोसा, मतलब नॉर्मल समोसे ना हमारे शहरों में 20-22 रुपए के आते हैं, पर ये चीज देखो भाई जापानी समोसा। ये देखिए ये इसकी लेयर है, देख कितनी बारीक लेयर है। वाह, ऐसी ऐसी 60 लेयर एकदम खस्ता हो जाता है बिल्कुल। भाई शाम के बज रहे हैं 6 पर चूर चूर नान यहाँ पर रुकने का नाम ही ले रहे हैं, उधर सर छोले भटूरे सर्व कर रहे हैं और कस्टमर्स बैठे खा रहे हैं। अगर आपको टाइम का नहीं ना यकीन, वो देखो भाई दुकान के अंदर टाइम 6 बजने वाले हैं। यार ये अपना चूर चूर नान हो चुका है तैयार। वाह क्या लुक आई है ना भैया, एकदम शानदार बनाया भैया ने चूर चूर नान। तो डेकोरेशन के लिए भैया जी आ गए हैं, पहले ऊपर लगाया जा रहा है जी बढ़िया मक्खन पूरा फैला के बढ़िया से। ओहो क्या बात है, एकदम बढ़िया तोड़ के ना गुलदस्ता सा बना दिया। अब इसके अंदर भरा जाएगा भाई ये बटर, ये मेरे ख्याल लास्ट प्लेट है भैया आज की ना, ये लास्ट प्लेट है भाई चूर चूर नान की जो अपने पास आ रही है। ये ना अब अपने लिए जापानी समोसा लग रहा है और सामने देख लो सारे समोसे खत्म है। सर ने हमारे लिए ना छुपा के 2 समोसे रख लिए थे, बचा के सर है ना। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू जी। तो इसका स्वाद आपको बताते हैं कैसा रहने वाला है।
एकदम गोल्डन भटूरा तैयार है यार, गर्मा गर्म है, सर से भी उठाया नहीं जा रहा। और मैंने एक और चीज सुनी है कि अपनी दुकान के छोले भटूरे शेफ रणवीर बराड़ भी खा के गए, उन्होंने तारीफ बहुत की आपकी दुकान की कि छोले भटूरे बहुत कमाल है आगे। तो भाई ये शेफ रणवीर बराड़ के छोले भटूरे हैं फेवरेट वाले। तो भाई सीन बड़ा कमाल का यार, पहली बार आया हूँ मैं चांदनी चौक एरिया में, और जो यहाँ की वाइब है, यहाँ का माहौल है, नजारेदार। मतलब दिल्ली आए और चांदनी चौक नहीं ना आए तो भाई वाइब नहीं ली आपने यहाँ की। जो वाइब है ना, वाइब समझ रहे हो कौन सी, शोल्डर में शोल्डर, धक्का मुक्की, पी पी, मजेदार, जो मतलब आनंद है यहाँ का, डिफरेंट दुनिया है। और स्वाद दिखाता हूँ आपको डिफरेंट से दुनिया का। ये देखो यहाँ के बढ़िया से भटूरे, और भाई मेन हाईलाइट भाई पास से दिखाओ, ये तो समोसा जापान का है। सर का कहना है कि भाई जब शाम को खत्म हो जाते हैं ना, जो पीछे वो एंड में वो चूरा रह जाता ना थोड़ा सा, वो काउंटर के अंदर पड़ा होता है, लोग उसको भी इकट्ठा करके मांग लेते कि भाई दे दो छोले के साथ, वही खिला दो अगर समोसा नहीं है तो, इतनी दीवानगी है इसकी। तो ये दिवाली का वो बम है जो लास्ट में फोड़ेंगे, पहले ये आओ छोले भटूरे दिखाता हूँ। ये देखो ओहो बढ़िया भटूरे, और जब सर ने तेल डाला चने के ऊपर जो आवाज आई थी ना, सारे नंबर उसके थे। अब ये देखो कितने गाढ़े छोले, पास से देखो आप, इतने गाढ़े छोले मैंने कभी नहीं देखे, और इतने घुले हुए ना बीच में बढ़िया से। लास्ट टाइम भी मैं दिल्ली आया था तब मेरे को लगा था कि मैंने यहाँ के बेस्ट छोले भटूरे खा लिए, पर भाई नहीं, 6:30 हो रहे हैं अभी भी। आप देखो साइड पे प्लेट्स लग रही है ना, छोले भटूरे की लग रही है भाई। 6:30 बजे तक शाम के छोले भटूरे बिक रहे हैं, और बिक इसी रह रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमाल है। मतलब अंकल जी ने बड़ा अच्छा किया कि लंच में भी दे दिए, ब्रेकफास्ट में भी दे दिए, तो भाई डिनर जो सेमी डिनर होने वाला ना वो भी छोले भटूरे के साथ कर लो। अगर छोले भटूरे के फैन हो तो इस दुकान से कभी निराश होकर नहीं जाओगे, क्योंकि बड़े ही कमाल है। और बराड़ साहब जो है हमारे शेफ रणवीर बराड़, उन्होंने बहुत तारीफ की है इसकी। चिब काट है, चिब काट, वो गाना सुना ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी, मतलब कंप्लीट कर लेना आप, जूता तो जापानी मेरा है नहीं पर समोसा जापानी हो गया। ये देखो ये सुनना, ये ओए होए ओए होए, मतलब नील कपूर बजाते ना ऐसे डफली ऐसा, नक नक नक, हाँ ये कर लो पहले, बढ़िया क्रंच। अंदर दिखाते भाजी, पास से दिखाओ, ये देखो ओहो भाई इतना जबरदस्त ना, दिल टूटने की आवाज नहीं आती जितनी इसकी आवाज है, एकदम पूरा क्रंच है। और अंदर पोटली सी बना के ना, जैसे मोमोज रैप होते वैसे पोटली सी बना के आलू रखे हुए हैं भाई, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चीज है। मतलब इतना क्रिस्प ना आज तक मैंने किसी चीज में फील नहीं किया, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। और ऐसी आइटम है कि जब हम आए सर ने पहले ही बोल दिया फटाफट बता दो कितने खाओगे, क्योंकि मिलेंगे नहीं, उन्होंने रख लिए मार लिए। अब आओ ये देखो पास से, ये यार भाई बढ़िया जापानी समोसा, इम्पोर्टेड आइटम दिल्ली चांदनी चौक में, का डिफरेंट ही लेवल वाला क्रंच है। मतलब 60 नहीं मेरे को ज्यादा ही ले रहे लग रही होंगी इसमें, क्योंकि जो क्रंच है वो इतना खतरनाक। और जो छोले है ना आलू भरे हुए, वो ना मात्र भरे हैं, मेन स्वाद इसका क्रंच का ही है। मतलब ऐसी चीज है कि यार सुखी अकेला समोसा चाय के साथ खाओगे ना, इश्क हो जाएगा इश्क। और इश्क आपको भी करना है तो आ जाओ मनोहर ढाबा चांदनी चौक में भाई, लाजपत राय मार्केट, और गूगल पे मनोहर ढाबा कर लेना, जगह आ जाएगी। अंकल बड़े प्यारे, स्माइल बड़ी प्यारी है, और भाई खाना जापानियों की आंखें खुलती नहीं पर स्वाद खुले हुए हैं समोसे के।